सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं ओरियो पैनकेक। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए और ओरियो बिस्किट का पैकेट ले लीजिए। अब आप बिस्किट को हाथों से तोड़कर बाउल में डाल लीजिए। सारे बिस्किट आप ऐसे ही तोड़ लीजिए। मैंने एक बड़ा पैकेट लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं। छोटे हों तो 4-5 पैकेट लीजिएगा। अब आप इसमें पिसी चीनी डाल दीजिए। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट भी मीठे हैं। अब आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। अब आप इसमें दूध डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब बिस्किट दूध में घुल जाएं तो आप इसको फिर से एक बार मिक्स कीजिए। आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बिस्किट दूध में घुल जाएंगे, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दूध कम लगे तो आप और डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप एक पैन ले लीजिए, उसको गैस पे रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए। अब जो हमने बिस्किट का बैटर तैयार किया था उसको करछी से पैन में डाल दीजिए। अगर थोड़े बहुत बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं तो घबराइए नहीं। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो आप इसको दूसरी तरफ से भी सेक लीजिएगा। जब ये दोनों तरफ से सिक जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आप इसमें फिर से घी लगा दीजिए। और ऐसे ही सारे पैनकेक बनाकर तैयार कर लीजिए। सारे पैनकेक बनकर तैयार हैं। अब आप इसको एक के ऊपर एक रख दीजिए पैनकेक को। अब आप चॉकलेट सिरप ले लीजिए, आप किसी भी कंपनी का चॉकलेट सिरप ले सकती हैं, और इसको पैनकेक के ऊपर डाल दीजिए। अब आप इसके ऊपर ओरियो बिस्किट लगा दीजिए।
अब हमारा ओरियो पैनकेक्स बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।